हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक एनालिसिस करने वाले हैं पेंस पाइप का। उसके फंडामेंटल्स देख लेंगे, उसके टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेंगे। तो अगर हम लोग इसके फंडामेंटल्स पर थोड़ा फोकस करें तो पेंस पाइप का मेन फोकस जो है पाइपिंग सेक्टर में है। पाइप सेक्टर जो है इसमें ये लोग के 4 टाइप ऑफ पॉलीमर्स पे काम करते हैं, CPVC, UPVC, HDPE, PPR। उसमें से मेरे हिसाब से HDPE सबसे ज़्यादा फोकस में रहता है इसमें। उसके अलावा ये मल्टीपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और पेंस पाइप का जो मेन है वो पाइप्स एंड फिटिंग्स पे है फोकस। उसके अलावा कंपनी डेब्ट फ्री है, इसके कॉन्स बहुत ही कम है, और कैगर जो है लास्ट 5 साल का 27.2829 है। उसके अलावा जो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ये बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो चेंजेस हुए, उसके अलावा बहुत सारे न्यू न्यू अपडेट्स आए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस करा जाएगा। तो उसमें पेंस पाइप का बहुत बड़ा योगदान भी है, और इसमें इसी के कारण इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है। उसके अलावा अगर हम लोग क्वार्टरली रिसर्च पे देख लें एक बार, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके। 141 CR का इसका प्रॉफिट निकाल के दिया है कंपनी ने। क्या सेल्स ग्रोथ पर अगर फोकस करें तो सेल्स ग्रोथ भी 18% तक का सेल्स ग्रोथ हुआ है पिछली बार से। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से, कि मार्केट भी गिर रहा है बट फिर भी ये कंपनी ग्रोथ में है। बट स्टॉक प्राइस गिर रहा है, दिस इज़ बिकॉज FIs सेलिंग ऑफ कर रहे हैं, और ऊपर से मार्केट में कंडीशंस ख़राब है थोड़े से। सेल्स पे अगर थोड़ा फोकस करें, ईयर ऑन ईयर सेल्स पे अगर थोड़ा फोकस करें, तो 2015 से लेकर 2022 तक हर ईयर में इसने थोड़ा बहुत ग्रोथ दिया है। हर ईयर कम से कम 20% का ग्रोथ तो दिया ही है। यहाँ पे अगर 2020 में छोड़ के, क्योंकि ये कोविड वाला जोन था, तो उस टाइम पे सारी कंपनी ने एक ग्रोथ नहीं दी है। उसके अलावा हर ईयर में अगर एवरेज निकाल के देखें तो 20% का ग्रोथ तो है ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे अगर थोड़ा फोकस करें तो यहाँ पे हर ईयर में इसकी ग्रोथ है, जैसे 82, फिर 100, 163, 164, 184, 230, 364, 416। उसके अलावा अगर हम लोग एक बार इसके बोरिंग्स पे फोकस करें तो बोरिंग्स इसकी कम हुई है, तो मतलब कि कंपनी बस कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा अगर हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे देखें, तो जैसे मैंने बताया कि FIS ने बहुत सेलिंग करी हुई है स्टॉक में, वैसे बाइंग जो हुई है वो DIIs ने बहुत बाइंग भी की है इसमें। ऐसा भी नहीं है कि नहीं, पूरी सेलिंग हो रही है इसमें, बाइंग्स भी हुई है, DIIs ने बाइंग करी और पब्लिक ने भी बहुत बाइंग करी है प्रिंस पाइप में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंस पाइप। एक बार उसके हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी जो मैंने जो देखा था इसका, इसमें एक शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये इसके दोनों शोल्डर्स हैं और ये इसका हेड है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है इसमें, और यहाँ पे अगर हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे फोकस करें तो ये स्टॉक अभी अपने सपोर्ट पर है। यहाँ पर ये स्टॉक अपनी ट्रेड कर रहा है 600 के अराउंड। तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक और शोल्डर पैटर्न अगर बनेगा तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर बट ये सपोर्ट भी टूटा तो उसके बाद ये वाला सपोर्ट जो है हमारे पास है, थोड़ा इसको ऊपर करूँ तो ये वाला सपोर्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो ये वाला सपोर्ट है। इसको अगर मैं अच्छे से ड्रा करूँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला नेक्स्ट सपोर्ट है स्टॉक का। तो आपको बाइंग्स करनी है तो थोड़ी बहुत बाइंग्स इस पे कर लो, क्योंकि बहुत चांसेस है कि निफ्टी यहाँ से एक अप ट्रेंड में जा सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर अगर और ज़्यादा गिरा तो यहाँ पे अपना एवरेज कर लेना इस वाले पॉइंट, इस वाले जोन में। जो ये वाला जो जोन है वो है 500 से लेकर 523 तक, और अभी जो बाइंग के जोन्स हैं वो है 563, 66 से लेकर 600 तक। मेरे हिसाब से ट्रेंड अब वापस ट्रेंड रिवर्सल एक आ जाएगा इस स्टॉक में, क्योंकि यहाँ से ऐसा पैटर्न हो सकता है और फिर ऐसे एक यहाँ पे एक अप ट्रेंड में स्टार्ट हो जाए स्टॉक, क्योंकि एक ग्रोइंग स्टॉक है। तो मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है स्टॉक को, तो थोड़ा बहुत ग्रोथ आ ही जाएगा इसमें कभी ना कभी। दिस इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑफ प्रिंस पाइप। इसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं। मैंने L&T इन्फोटेक पे भी बनाया हुआ है, हैप्पीएस्ट माइंड पे बनाया है, एसएल पाइप से भी किया हुआ है, तो डू चेक आउट दोज वीडियोस। उसके अलावा मैं पिन कर दूंगा वीडियोस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियोस डू हिट सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक बटन। थैंक यू।